Welcome friends to Bhargav Kare Academy. In this our science lecture we are seeing what that next feature, okay? इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था? We saw what life cycle of animal. जिसमें हमने देखा कि what animals are again of two types, okay? कौन-कौन से simply some animals simply they are giving birth to their young one directly. कब तक? जब तक मतलब proper development ना कर सके. What happen? They are giving and growing in what their mother's womb and after what taking birth, her mother इज टेकिंग प्रॉपर केयर. मतलब क्या है? जैसे उनको फीड करना है, फूड देना है, वाटर देना है, उनका प्रॉपर केयर लेना है. ओके, दे आर डूइंग. ओके, कौन कौन से ये लाइक वॉट पर्टिकुलर मैमल, जैसे काउ है, टाइगर, इवन वॉट ह्यूमन बींग. ओके, सेकेंड हमने क्या टाइप देखा था? सम एनिमल्स आर रिप्रोड्यूसिंग बाय लेइंग एग्स. एग लेइंग एनिमल्स मतलब बर्ड्स, जैसे हेन है, क्रो है, पैरट है. वॉट हैपन आफ्टर लेइंग एग्स? वॉट हैपन? दीज बर्ड्स आर हैचिंग द एग्स बाय सिटिंग ओवर देम. इनडायरेक्टली वॉट? दे आर प्रोवाइडिंग वॉट? द वार्म. क्यों? एक के अंदर जो बेबी है उसको डेवलप करने के लिए जो प्रॉपर वार्म चाहिए वो उसमें है. अगर वो वार्म तो नहीं देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो एक के अंदर बेबी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा. एंड व्हाट हैपन? प्रॉपर डेवलप होने के बाद व्हाट हैपन? इट विल ब्रेक एग शेल एंड इट विल कम आउट ऑफ दैट. देन जिस तरह से यहाँ पर क्या है, सिंपली पैरेंटल केयर है. मतलब जैसे मैमल में क्या है, सिंपली देयर मदर्स आर फीडिंग देम बाय व्हाट मिल्क है या फिर फूड है या फिर अदर थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग. यहाँ पर भी क्या है, द बर्ड्स आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देयर स्मॉल बेबीज बाय प्रोवाइडिंग देम वॉट द फूड है, वाटर है, इवन दे आर वी कैन से प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वॉट देयर इनिमीज. ओके, चलो उसमें हमने ये भी देखा था कि वॉट इफ यू कंपेयर वॉट सम एनिमल, ओके, जैसे टाइगर है, काउ है, उनके जो बेबीज है दे आर लुकिंग सिमिलर टू द पेरेंट्स, बट सम आर देयर लाइक वॉट इंसेक्ट, स्पेशली वॉट बटरफ्लाई, जिनके बेबीज उनके पेरेंट्स से टोटली अलग है. मतलब अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई के, उसमें हमने क्या देखा था? वाइल सीइंग व्हाट इट्स अ लाइफ साइकिल, इट शो व्हाट द फोर स्टेजेस, कौन कौन से थे वो? एग था, कैटरपिलर, प्यूपा एंड यू कैन से अडल्ट बटरफ्लाई. ओके, फिर अगर हम देखते हैं कैटरपिलर और अडल्ट बटरफ्लाई, दोनों का फीचर दिखने में टोटल अलग है. ओके, कैटरपिलर लाइक व्हाट दैट वर्म्स एंड बटरफ्लाई विथ विंग्स. देन व्हाट हैपन? इट गो इन व्हाट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फोर स्टेजेस, इट डेवलप फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई. ओके, कॉल व्हाट द मेटामॉर्फोसिस. ओके, वो भी उन्होंने देखा था कि वॉट कैसे कैसे मेटामॉर्फोसिस करके वो बेबी बटरफ्लाई और कैसे कैटरपिलर से अडल्ट बटरफ्लाई तक डेवलप कैसे होता है. ओके, आज हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हाउ रिलेशनशिप डिपेंड बिटवीन व्हाट द लिविंग थिंग, मीन्स वी कैन से व्हाट द हाउ प्लांट डिपेंड ऑन व्हाट सराउंडिंग एनिमल्स एंड हाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन व्हाट सराउंडिंग प्लांट्स, और कैन से व्हाट म्यूचुअली हाउ दे आर डिपेंड विथ ईच अदर. ओके, पर्टिकुलर एनिमल पर्टिकुलर हैबिटेट में ही क्यों ग्रो होता है, उसके लगने वाले सर्जे वहाँ पर कैसे मिलती है, अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर सर्वाइव या लिविंग नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट मूव टू द कंटेंट, द इंटरलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स. व्हेन वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर विथ इट्स यूजफुलनेस, वी कांट फॉरगेट अबाउट व्हाट द ट्रीज और ग्रीन प्लांट. व्हाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर टेकिंग अवर केयर, मींस व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट द ईच एंड एवरीथिंग विच आर नीडेड टू अस. एग्जाम्पल, प्लांट गिव्स अस फूड, राइट? वॉट एवर फूड वी ईटिंग माइट बी द ग्रेन है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स हमको? ऑब्वियसली प्लांट से. इवन जगह बाई चांस आप धूप में जा रहे हैं, वॉट हैपन सिंपली इफ यू आर टेकिंग शेल्टर अंडर अ शैडो, किसका शैडो मिलता है हमको? ऑब्वियसली ट्री का. नेक्स्ट वन, फॉर फर्नीचर पर्पज, वॉट हैपन? टिम्बर या वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. इवन वेरियस काइंड ऑफ द मेडिसिन वी आर गेटिंग बाई मीन्स ऑफ वॉट द प्लांट, लाइक वॉट तुलसी है, अड़ूसा है, ओके, वेरियस थिंग्स. मतलब प्लांट्स आर मच मोर वेरी यूजफुल फॉर अस, ओके, इन वेरियस वेज. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, कैन यू टेल फ्यू ऑफ इट्स यूजेस ऑफ फॉलोइंग प्लांट लीव्स, टेक्सटबुक का आपका एग्जाम्पल है. पहला है आपका फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ओके, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इन अवर लैंग्वेज कॉल व्हाट द पड़स, आपने शायद जंगल में देखा हुआ, स्पेशली व्हाट अगर हम समर टाइम में अगर घूमते हैं, व्हाट हैपन? वी कैन सी व्हाट द सम वॉट रेडिश ब्राउनिश फ्लावर्स आर ऑफ सीन, कब? बिफोर दिवाली. व्हाई? दिस आर द थिंग बट व्हाट द फ्लावर्स ऑफ व्हाट द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट और कॉल व्हाट द पड़स, ओके, उनका एक पर्टिकुलर ये है. फ्रेंड्स, प्रीवियसली व्हाट हैपन? सिंपली वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट द होली कलर्स, ओके, दे आर प्योरली प्रिपेयर बाय मीन्स ऑफ व्हाट दीज ऑर्गेनिक फ्लावर्स, ओके. व्हाई? दे मे हैव सम व्हाट यूजफुलनेस फॉर अवर स्किन, माइट बी, ओके. नेक्स्ट वन, आज भी बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में क्या, सिंपली उसके जो लीव्स है, ओके, दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग ऑफ व्हाट दैट प्लेट्स, ओके. लीव्स को कट करके उनको अच्छे से ही करके क्या है, उनके प्लेट्स बनाते हैं, उसके ऊपर क्या है, लोग खाना खाते हैं, ओके. आज भी बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में क्या है, दे आर यूजिंग आइदर बनाना लीफ और व्हाट दैट पल्स लीव्स फॉर व्हाट मेकिंग ऑफ व्हाट द प्लेट. नेक्स्ट, फेनोग्रिक, फेनोग्रिक मतलब क्या है, मेथी, दैट यू कैन से व्हाट द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल फॉर अस. देन है वसाका, इवन कॉल व्हाट द अड़ूसा.
Adusa is having somewhat medicinal uses, okay, especially what agar kisiko cough and other things are having, okay, in that complaint what happened, they are depend on what the vasaka, okay, particular kind se, particular method se kya, simply our Ayurvedic doctors, they are preparing what the medicine by this vasaka or adusa. Then curry leaf plant, ये कहाँ होता है, सिंपली कड़ी पत्ता जो कहते हैं हम लोग सिंपली, अगर हम बात करें समझो बाइटस एनी काइंड ऑफ वॉट दैट दाल है पर्सेस वॉट एवर वी आर प्रिपेरिंग, ओके कड़ी है, ओके करी लीफ उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है, वाई बिकॉज ऑफ इट्स फ्रैग्रेंस बोलो टेस्ट बोलो. एंड फाइनली वी कैन से वॉट द बीटल वाइन, ये क्या है आपका याद आ गया आपको, यस जो हम पान बोलते हैं ना सिंपली ईटेबल्स, ओके ध्यान दो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग पान खाते खाने के बाद क्या, बट उसके क्या है, इट हैज़ ऑल्सो सम वॉट मेडिसिन यू दिस, कैसे एग्जाम्पल इट टेक केयर ऑफ अवर माउथ, इट ऑल्सो सिंपली मैनेज अवर डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपरली, बहुत सारे उसके मेडिसिन यूज हैं, हमको उसको डीप में नहीं जाना है, बट वी कैन से वॉट दीज आर द प्रोडक्ट विच वी ऑप्टेन बाय वॉट द प्लांट विच आर वेरी यूजफुल टू अस इन अवर डे टू डे लाइफ. द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग आर मेड इन द इन्वायरमेंट, जहाँ पर वो रहता है ड्वेल करता है सर्वाइव करता है, उसके सारे नीड्स है, कौन कौन से नीड्स है, वी हैव मेनी नीड्स लाइक वॉट, वी नीड फूड, we need water, we need air, we need cloth and we need what, the shelter, right? Example samjho bhai jaisa aap dekho ki normal chote chote gaon hai wo kahan rehte hai, nearby any river, kyun, because normally pani bahut lagta hai to what, agar koi water source hai, well hai ya fir river hai, pond hai, lake hai, okay they can reset their, why, because unka pani ka jo need hai wo ho jayega. Second one, they need food, that's why simply we are going for what, doing agriculture hai, farming karte hain, kyun, because of hame kya chahiye, food chahiye. And we also need what, the fresh air, that's why what, we are planting more and more trees in our surrounding. इसलिए क्या, normally हर घर में छोटा सा plant भी कैसे है, छोटा सा garden होता है. Even what, the shelter, right? So primitive is what, people or man's, we they are residing in what, that caves, but normally what happen, we are preparing our shelter, हम हमारे घर खुद बना के रहते हैं. These are our primary needs, all the needs are met in our surrounding, या फिर जहाँ का ये सारे needs fulfill होते हैं, normally हर animal वहीं पर रहता है. फूड वाटर एयर आर वॉट द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग, फिर वो भले ही प्लांट हो या एनिमल, दीज आर ऑल फुलफिल इन एनवायरमेंट वेयर दे आर लिविंग, वेयर दे आर रेसिडिंग. एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन ए पर्टिकुलर एनिमल कंपेयर करो, एग्जाम्पल पोलर बियर है, उसके सारे नीड्स कहाँ पर हैं, ऑब्वियसली पोलराइजन मिलते हैं. थिंक रिगार्डिंग वॉट द फिश, फिश को मतलब क्या, सिंपली एक्वेटिक एनिमल है, अगर बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगा, तो उसके सारे नीड्स मतलब क्या है, इट कैन ब्रीद इन वाटर ओनली, वाई, बिकॉज इट हैज़ गिल्स, इट कैन ब्रीद वॉट द ऑक्सीजन डिजॉल्व फ्रॉम वाटर, सो वॉट, इट कैन बेटर सर्वाइव इन वॉट द वॉटर. उसका फूड मतलब क्या है, एक्वाटिक स्मॉल प्लांट्स या स्मॉल वर्म्स वगैरह है जो पानी में मिलते हैं, ओके सो वी कैन से वॉट, ऑल लिविंग थिंग दे ड्वेल ग्रो वेयर, जहाँ पे उनके सारे बेसिक नीड लाइक वॉट, एयर वाटर फूड अवेलेबल है, वहीं पर वो ग्रो होते हैं. बट इफ यू कंपेयर नीड ऑफ ईच काइंड ऑफ एनिमल मे बी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा फिश का, फिश को रहने के लिए पानी चाहिए, हमको रहने के लिए सॉइल चाहिए, मतलब अगर हमने इमेजिन करो टाइगर को पानी में रख दिया तो वो बेचारा मर जाएगा, और फिश को पानी से बाहर निकाला वो मर जाएगा, तो टाइगर इज रिसाइडिंग और कैन से बीइंग अ टेरेस्ट्रियल एनिमल ग्रोइंग लिविंग ऑन व्हाट द लैंड, व्हाई, बिकॉज उसके सारे नीड्स कहाँ पर है, सिंपली फॉरेस्ट में या वी कैन से व्हाट द लैंड के ऊपर फुलफिल होते हैं. अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हाट फिश, जैसे हमने देखा उसके सारे नीड्स कहाँ फुलफिल होते हैं, विद इन व्हाट द वाटर. सो और एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज वाटर दैट माउस ड्रिंक इन एंटायर डे, अगर हमने छोटा समझा चूहा देखा पूरे दिन में जितना पानी पीता है उतना पानी हाथी के लिए एक बार भी अगर हमने दिया तो क्या है, उसके लिए वो प्रॉपर नहीं होगा. मीन्स द वाटर नीड बाय वॉट द एलिफेंट टोटली डिपेंड ऑन वॉट हिज बॉडी स्ट्रक्चर, ओके एंड टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू वॉट द स्मॉल एनिमल लाइक वॉट द माउस, मतलब दोनों को भी पानी चाहिए बट वॉट क्वान्टिटी मे वेरी. सेकेंड एग्जाम्पल बात करते हैं काऊ की और टाइगर की, काऊ का फूड मतलब क्या है, ग्रास है, और टाइगर का फूड मतलब क्या है, एनिमल्स लाइक वॉट द डियर, ओके अगर समझो बाई चांस हमने काऊ को एक जगह पे रखे जहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स है, ऑब्वियस इट विल नॉट सर्वाइव, और हमने समझो बाई चांस टाइगर को ऐसे जगह रखा जंगल में जहाँ पे पूरा ग्रास ही ग्रास है, एक भी एनिमल नहीं, दोनों भी अपनी जगह पे सर्वाइव नहीं करेंगे, तो वॉट उनके नीड्स भी माइट बी द वॉटर है, फूड है, सराउंडिंग क्या है, अलग अलग है, ओके. सेकेंड एग्जाम्पल नॉर्मल समझो बाई चांस अगर डॉगी है, अपने कॉलोनी का डॉगी, उसको हमने उठा के रख दिया, कहाँ पे छोड़ दिया उसको, समझो पोलर रीजन में, सर्दी से बेचारा मर जाएगा, और वहाँ का समझो बाइटस का डॉगी है जो पोलर रीजन में रहता है, उसको यहाँ पे लाए तो वो गर्मी से मर जाएगा, वाई, बिकॉज दिस एनिमल आर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो ग्रो होते हैं, ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट में, इफ अ बटरफ्लाई फीड ऑन नेक्टर ऑफ अ फ्लावर्स कैन अ फ्रॉग डू द सेम, मतलब बटरफ्लाई को
लूनरन इक्लिप्स का फ्रू मतलब क्या है, स्वीट नेटर फ्रॉम द फ्लावर, और फ्रॉग को क्या चाहिए, इनसे अगर हमें इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा, दोनों भी अपने फूड नीड सर्वाइव करने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे. अ शिप ईट्स अ लीव्स ऑफ अ श्रब, कैन टाइगर डू द सेम. शिप को क्या चाहिए, वेरियस लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और टाइगर को क्या चाहिए, एनिमल्स लाइक वॉट द डियर एंड अदर थिंग्स. अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो टाइगर पत्ते खाएगा क्या, नहीं. और अगर वहाँ पे रखे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे वहाँ पर कोई भी समझो एनिमल नहीं है, ओनली प्लांट्स ही प्लांट्स है, ऑब्वियसली इट विल डाई ड्यू टू वॉट द स्टारवेशन. अ फिश कैन ब्रीद इन वाटर, यस, बट पिजन डू द सेम, नो. वाई, बिकॉज पिजन इज अ बर्ड, एरियल बर्ड, एंड वी कैन से वॉट फिश इज एन एक्वाटिक एनिमल. द बोथ आर लिविंग वॉट द टू डिफरेंट लाइव्स, वी कांट इंटरचेंज देम. लोटस ग्रोइन इन वाटर, बट कैन लेमन ट्री ग्रो इन वाटर, नो. वाई, बिकॉज लोटस इज अ फ्लोटिंग प्लांट विच इज ग्रोइंग इन वाटर, एंड लेमन ट्री ग्रोथ ऑन वॉट द लैंड. इंटरचेंज किया तो ऑब्वियसली दोनों भी ग्रो नहीं होंगे. क्रो कैन फ्लाई इन वॉट एयर, बट हैव एवर सॉ वॉट दैट एलिफेंट फ्लाई इन एयर, नो. क्यों, बिकॉज क्रो इज अ बर्ड, इट्स अ एरियल एनिमल, एंड एलिफेंट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल. No, because every animal is different from others and their needs are also different. Okay, I will repeat once again. Animals may vary from animal to animal. Unke features, unke need bhi kya hai, alag alag hai. Uske hisab se kya hai, unka life structure bhi kya hai, alag alag hai. The habits are also different from animal to animal. Might be their water content chahiye, wo dekho, ya fir unke food habits dekho, ya fir jahan pe wo rehte wo dekho, okay. These are varying from what animal to animal, okay. Ek activity dekhte hai, small, okay. अब हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में एक्टिविटी कैसे. लेट टेक टू स्मॉल बॉक्सेस, ओके, लेबल देम एज बॉक्स वन एंड लेबल देम बॉक्स टू, ओके. नाउ टेक टू सीड्स, किसके लेंगे स्पेशली, व्हाट दैट मटकी, ओके. दो हमने लेके बाजू में रखे, अब क्या किया, हमने दो बॉक्स लिए है एज अ टूल, बॉक्स वन बॉक्स टू. दोनों बॉक्स में क्या, सिंपली मोर देन थ्री फोर्थ हमने क्या भरा है, सॉइल भरा है, ओके, पार्ट वन में भी और पार्ट टू में. व्हाट हैपन, फिर थ्री फोर्थ सॉइल भर दिया, दोनों सीड लिए ईच बॉक्स में डाल दिया, मतलब यहाँ पे दो और वहाँ पे दो, राइट. अब देखेंगे, पहले इसमें गिव टू स्पून ऑफ वाटर टू द सॉइल इन बॉक्स वन, ओके. एक दिन में पहले पॉट में कैसे हमने बस दो स्पून पानी डाला है, और दूसरे पॉट में क्या करेंगे, सिंपली वी एड वॉट द फोर स्पून फॉर फोर टाइम्स अ डे, मतलब यहाँ पे थ्रू आउट द डे वी कैन से टू स्पून, और यहाँ पे थ्रू आउट द डे वी कैन से वॉट, फोर फोर जा सिक्सटीन स्पून, मतलब एक में पानी थोड़ा सा डाला है, दूसरे में पानी बहुत डाला है, ओके. आफ्टर सम डेज, ओके, वॉट हैपन, वी हैव ऑब्जर्व वॉट द प्लांट्स, क्या दिखाई देगा आपको, पार्ट वन बॉक्स वन का जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, ओके, और सेकेंड पार्ट का जो प्लांट है वो क्या है, सिंपली रॉट हो गया है. क्यों, हमें पता है कि व्हाट प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, एयर, दोनों को भी है. हमें पता है कि उनको चाहिए सॉइल, दोनों को भी है. हमें पता है उनको पानी भी चाहिए, दोनों को भी दिया. बट पहला वाला प्लांट को हमने क्या सिंपली जितना उसका नीड है उतना ही पानी दिया, और दूसरे इसमें क्या सिंपली हमने पानी क्या उसको मोर देन नीड दिया है, ज़्यादा दिया है, इससे क्या सिंपली रॉट हो गया. वाई, बिकॉज वो एक्वाटिक प्लांट तो है नहीं कि कितना भी पानी डालो ये करेगा, राइट ना. एग्जांपल, हमारा वाटर नीड कितना है, थ्रू आउट द डे पानी कितना पीते हैं हम लोग, एटलीस्ट 3 लीटर्स, राइट ना. अगर आपको समझो बाल्टी में पानी दिया, मैंने कहा कि आज 100 लीटर रोज का रोज फिनिश करना है, ओके, हम फिनिश कर सकते क्या, नो. क्यों, उतना हमारा पानी का नीड नहीं है, ओके. मतलब लेस दिया तो ड्राई हो जाएगा, और ज़्यादा दिया तो वो रॉट हो जाएगा, ओके. मतलब क्या है, सिंपली their needs are also specifically we can say varying, okay, and as per that need we have to provide them things. ab ha friends, ab dekhte hai ki what the tiger kahan pe rehta hai and kaise rehta hai, okay. Where does a tiger can live, as we know what the tiger is, what the pure carnivorous animal, okay. Any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled. matlab tiger bhi kahan pe rahega, simply uske jo sare need hai, like what the water hai, food hai, shelter hai, jahan kahin rahenge obviously wahin par tiger can survive. A tiger has a strip on its body, okay. Strip ka kya role, simply the strips are helping him to hide in what the tall dried grasses. benefit kya, simply dried grass mein agar rahega wo to kya hai, simply grasses ke andar usko kya simply what prey jo hai usko jisko wo khata hai unse wo visible nahi reh payega. Like deer है, बिसन है, नीलगा है, and what happens, simply easily it can attack on them. तो वो अपना जो फूड है कैसे easy going से obtain कर सकता है. Because of that strip, they are not visible as it mixes with what the surrounding. When tiger is hungry, what happens, it can feed on them by hiding. It will attack on them and it can feed over. Miss what? जहाँ के miss what? ये animal रहते हैं वो वहाँ रहेगा. जहाँ के tall grass में मतलब क्या, उसके जो strip है उसके body के, वो उसे कैसे adapt करने के लिए help करते हैं. For a tiger, there is also need to be other than food, like what it needs a water. So, जहाँ कहीं water hole है, okay, nearby, कैसा
which will never dry even in what the hot summer. मतलब throughout the year जहाँ पानी available है उसी के nearby वो रहता है. क्यों? Because पानी उसका क्या है, second essential need है. Even there must be a dense vegetation, tall grasses or caves in hills. Why? कि जहाँ पर वो अपना shelter find कर सके. So tiger inhabits or lives in area where all these needs are available. मतलब टाइगर वहीं पे रहेगा जहाँ पर क्या है, उसे वाटर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जहाँ उसके लिए फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाट इट फाइंड व्हाट द इट्स अ बेटर शेल्टर, ओके, लाइक व्हाट द केव्स एंड डेंस. सो ऑब्वियसली जहाँ उसका सारे नीड फुलफिल हो गए, इट कैन ड्वेल, इट कैन सर्व इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. ओके, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए. कैन यू टेल फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सिल्क? यस, वी गेट द सिल्क फ्रॉम व्हाट, द सिल्क वर्म, बट अ काइंड ऑफ व्हाट वर्म, जो हमारे लिए क्या है, सिल्क स्पिन करता है. From where do we get what the honey? Yes, we are obtaining the honey from what the honey bees. Okay, I think you might saw what the honeycomb. Okay, garden में किसी पेड़ के ऊपर देखा अपने honeycomb. क्या करते हैं honey bees? Simply they are taking what the sweet nectar from the flower. They are collecting that and simply they are converting that nectar to the honey. And we are directly extracting from honey bees. How are the trees useful to the monkeys? Monkeys कहाँ रहेंगे? Obviously, being a arboreal animal, they are living on what the trees. Benefit कैसा है उनका? See, when the trees are on what the, sorry, when the monkeys are on what trees, what happen? वहाँ पे जो आने वाले फ्रूट्स है वो खा लेते हैं, तो उनका फूड का ये हो गया. सेकेंड वन, सिंपली जो नीचे से घूमने वाले एनिमल है उनसे वो क्या है, सेफ रहेंगे. राइट, मीन्स टेरेस्ट एनिमल दोज आर रोमिंग ऑन वॉट द ग्राउंड. ओके, वो उनके ऊपर अटैक नहीं, मतलब क्या है, उनसे सेफ्टी भी हो गया और उनके लिए फूड भी अवेलेबल हो गया. हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू द बर्ड्स? Trees are providing what the shelter to the birds. Why? Because birds are preparing, they are building their nest on what the trees, right? And what? अगर किसी bird का अगर nest अगर पेड़ के ऊपर है तो what happen? जो नीचे घूमने वाले animals है, okay? उनसे उनके जो small small babies है वो कैसे है? Secure है, okay? What happen if the termites make a tree hollow? But just imagine, उसी tree को समझो termites ने पूरा hollow करते, क्या होगा? Simply the tree will collapse. The tree will collapse. Means different animals have different needs. We keep different animal to meet our different needs. Okay, see now, we are keeping various animal at our home, you can say at our farm, okay, to meet our different need. And not only we are keeping, we are also taking proper care of them. Okay, example, normally animals can be categorized, जैसे आपने शायद third में देखा होगा, domestic animal जो हम farm पे रखते हैं, जब घर पे रखते हैं, simply किस लिए? Simply to obtain what the milk है, even what that, for what egg purpose, for flesh purpose, right now. We are keeping again what the pet animals. Pet animal मतलब क्या है, जो घर के अंदर होते हैं, like what the dogs है, right? या cat है. Next one, we are keeping what some animal on what the farm. जैसे cow है, bullocks है, cow provides what the milk, and bullocks are useful for what the carry and what the various laborers work. In return, these animal too gives us what affection. We get many things as what meat, milk, egg, and several other useful thing from them. Like sheep gives us wool. Some animal are also useful to carry what the heavy burden, even to carry what the cart, like what the bullocks and other thing. Domestic animal are also used to what help to carry what the heavy farm work at what the fields. Even our pet dogs guard our houses, okay, when we are sleeping outside our home. But badle mein kya miss what? See, mutual hai, matlab we are providing what the food for them, we are giving water to them, even we are taking care proper them. मतलब जिस तरह से क्या है, cow shed बनाते हैं हम cow के लिए, okay, जो उनको क्या है, simply धूप से है, rain से बचाता है, even from time to time, मतलब क्या है, जब cow बीमार हो तो what happen, we are taking them towards a veterinary doctor, right? Means what, we are taking all care of them, and बदले में क्या, simply they are giving or they are carrying our various work, or we can say they are helping, might be at farm work and other things. इतना उनका रोल है क्या? नो, ओके, इवन एक्सक्रेटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउ एंड ऑक्स, व्हाट हैपन, वेरी यूजफुल टू अस. कैसे? कैरेडंग्स इज यूजफुल फॉर प्लास्टरिंग ऑफ व्हाट द मड हाउसेस. डंक केक्स जो बनाते हैं उसको मराठी थिंक कॉल व्हाट द गवरिया, ओके, दे आर यूजफुल, ओके, इन द स्मॉल विलेजेस. आज भी क्या है, सिंपली कंसिडर एज व्हाट द डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब क्या है, दीज आर कम्बस्टेबल, ओके, सो दे आर बर्न, ओके, इनके ऊपर वो अपना खुद का फूड बनाते हैं. Even they are preparing what the gobar gas. Gobar gas example of what the clean fuel. Gobar gas also obtained from the animal waste, useful as what the clean fuel. Okay. Organic manure. मतलब अगर हमने by chance इनका जो animal waste है जगह पे जमा किया तो proper rotting decomposition होने के बाद क्या है? It will yield us, give us what the organic manure. Okay. And friends, organic manure is 100 times more better than what the
chemical fertilizers. Organic manure made from what the cattle dung and what the sheep pellets are good for what the plant, okay? See na, aajkal to naya trend aaya simply organic farming ka, right? Example, just two example, agar hum jo by chance, agar hum baat kare, chote babies ki baat kare, you can say what that, aise women, okay, jo ke simply what they are giving what the birth to their young ones, right na? तो व्हाट हैपन उनके फूड में सिंपली मैक्सिमम क्या है वी आर गिविंग व्हाट द ऑर्गेनिक थिंग्स व्हाई बिकॉज अगर केमिकल फर्टिलाइजर जहाँ पे यूज़ किए पेस्टिसाइड जहाँ पे यूज़ किए हैं अगर वो फूड देने से क्या सिंपली दे मे हैव समवॉट एडवर्स इफेक्ट ओके सो व्हाट हैपन व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ देम व्हाट हैपन वी आर प्रोवाइडिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनिक फूड टू देम देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए वाले हैं पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको सिंपली इन अ स्मॉल विलेज व्हाट हैपन The lady simply they are making what the plaster. उनके छोटे छोटे कच्चे जो घर होता है उसको simply they are plastering के लिए क्या है they using what that mud. Second thing में देखो यहाँ पे simply how the cow dung cakes are there. Okay, as I told you simply they are used for what that burning purpose like what domestic fuel. Third इसमें देखो यहाँ पर simply cow के पीछे क्या simply बहुत सारा क्या है organic manure है जो उनके waste से बनता है. Okay, and they are useful more better than what that chemical fertilizer. And यहाँ पे right side में क्या दिया है वन स्मॉल प्लांट ऑफ वॉट दैट बायोगैस प्लांट उसका रोल क्या है सिंपली एज अ टोलर सिंपली बायोगैस बायोगैस इज वॉट अ क्लीन फ्यूल ओके अगर हमने काउ डंग केक अगर जलाए तो क्या उसमें बहुत सारा धुआं निकलेगा पोल्यूशन होगा बट बायोगैस से निकलने वाला गैस जो है उसमें क्या है उतना पोल्यूशन नहीं होता बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ अ क्लीन फ्यूल सो वी कैन से वॉट दैट दीज आर वेरी यूजफुल सिमिलर यू कैन से वॉट द प्लांट आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज मतलब जिस तरह से एनिमल यूजफुल है तो प्लांट्स आर मच मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू व्हाट द एनिमल प्लांट गिव्स अस फूड लाइक ग्रेन है वेजिटेबल है फ्रूट है पल्सेस है ऑयल यील्डिंग सीड्स है एक्सेट्रा इवन ब्यूटीफुल फ्लावर्स वी आर ऑप्टिंग फ्रॉम व्हाट द प्लांट्स ओनली सी ना एग्जाम्पल अगर हमने घर में या कहीं पर भी ऑकेजन में ओके ऑकेजन विल बी इनकम्प्लीट विदाउट फ्लावर्स ऑब्वियसली ए फ्लावर जो ब्यूटीफुल है ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम का समझो सब कुछ हरा भरा बनाते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमको बाय व्हाट द प्लांट्स इवन द फाइबर लाइक व्हाट कॉटन जूट वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट द प्लांट अगेन जो हम कपड़े पहनते हैं जो फाइबर हम ऑप्टन करते हैं कॉटन वगैरह ये कहाँ से मिलता है अगेन फ्रॉम व्हाट द प्लांट से सो वी ऑल्सो ग्रो व्हाट द क्रॉप विच आर यूजफुल टू अस ओके फिर उसमें क्या हो गया आपका फूड ग्रेन हो गए फ्रूट्स वाले हो गए ऑयल ईटिंग हो गए कैन से मेडिसिन प्लांट्स भी ये सब हम खुद ग्रो करते हैं वी सो देयर सीड्स एंड वी इंश्योर दैट जिस तरह से हमने क्या सिंपली वी टुक केयर ऑफ व्हाट द एनिमल्स जिस तरह से क्या है हमने एनिमल्स को समझे उनका प्रॉपर केयर लिया है उनकी हर चीज़ लाइक व्हाट वी सॉ देयर नीड वो वाटर हो गया फूड हो गया इवन व्हाट देयर केयर फ्रॉम व्हाट द वेरियस काइंड डिसीज सिमिलर केयर वी टेक ऑफ अवर क्रॉप्स और वी कैन से प्लांट मतलब अगर हम उन्हें प्रॉपर टाइम पे पानी देंगे अगर हम प्रॉपर पे उनको मैन्यूअर प्रोवाइड करेंगे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे ओके उनके ऊपर अटैक ना हो इसलिए क्या हम वी आर स्प्रेइंग व्हाट पेस्टिसाइड व्हाट हैपन दे कैन अगेन गिव बेटर यील्ड टू अस ओके सो इन अबंडेंटली प्लांट ऑल्सो गिव अस व्हाट द मच मोर थिंग्स राइट ना सो टू सेटिस्फाई व्हाट द नीड्स ऑफ व्हाट द प्लांट्स वी आर टेकिंग केयर एंड बदले में क्या सिंपली प्लांट आर गिविंग मच मोर टू अस सो वी कैन से व्हाट द अगेन वी आर इंटरडिपेंडेंट मीन्स व्हाट वी आर ग्रोइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्लांट और क्रॉप टू मीट अवर नीड And whatever the needs of the plant, we are fulfilling, okay? So they can yield what somewhat better and more thing. कुछ यहाँ पे जैसे देखो अब some kinds of the roots है example, beetroot है carrot है radish है okay? They can be used as what the fruit, vegetable. Some kinds of the stems are also useful, like what plants में potato है आपका okay? Sugar cane है asparagus है अगर हम बात करते हैं sugar cane के साथ में समझो potato के साथ में अगर ginger भी आ जाता है राइट दीज आर व्हाट द स्टेम विच आर यूजफुल टू अस अगर बात करेंगे लीव्स लाइक व्हाट द कोरिएंडर है स्पिनैच है फेनुग्रीक है ओके करी लीव्स है दे आर ऑल्सो यूजफुल मीन्स प्लांट का हर पार्ट हमारे लिए यूजफुल है ओके बट दीज पार्ट्स में वेरी फ्रॉम पार्ट टू पार्ट एग्जाम्पल अगर हमने बात किया समझो फ्रूट्स में तो मैंगो प्लांट्स से हमको फ्रूट मिलते हैं उसके हम फ्रूट्स खाएंगे उसका स्टेम उसके रूट उसके लीव्स हम नहीं खाएंगे राइट ना सेकेंड अगर हम बात करते हैं हम शुगर केन के स्टेम हमारे लिए यूजफुल है उसका लीव्स हम नहीं खाएंगे राइट ना अगर बात करते हैं लाइक व्हाट दैट कैरोट ओके उसका हम रूट खाएंगे रेडिश का हम रूट खाएंगे स्पिनच का हम लीव्स खाएंगे मीन्स व्हाट द पार्ट्स मे वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट व्हाट एवर फुलफिलिंग अवर नीड्स नेक्स्ट इवन वी आर सॉ व्हाट द वेरियस ऑयल यील्डिंग व्हाट द सीड राइट ना देखो यहाँ पे दीवार जैसे आपका यूकलिप्टस है प्लस वी कैन से व्हाट सीसेम है They are fulfilling our needs, right?
castor hay, olive hay, even sunflower hay, even groundnut, okay? What they are giving us, they are giving what the useful things. And these things are very much useful in our day-to-day life. Means friends, the plants are much more useful as compared to what the animal, and kaise simply, even what? Matlab, अगर हम प्रॉपर वे से जो हमको नीड चाहिए वही प्लांट लगाएंगे, क्रॉप लगाएंगे, उनके सारे नीड्स अगर हम फुलफिल करेंगे, लाइक माइट बी द वाटर है, फूड है, मैन्यूअर है, इवन वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम अगेंस्ट वॉट वेस्ट कैंस ऑफ वॉट द पेस्ट अटैक, वॉट हैपन, दे आर मच यूजफुल टू अस एंड दे आर हेल्पिंग अस टू फुलफिल अवर वेरियस नीड, वेरियस डिमांड्स, ओके, बाय प्रोवाइडिंग सच थिंग्स. नाउ लास्टली, other living thing also get their food from what? The environment. Example, deer. Deer depend on what? The grass. So obviously deer aapko kahan milega? Nandar milega deer aapko nahi. Deer we can get in what? That kahan milega aapko? Forest mein. Aise forest mein jahan pe unka jo food need hai, jahan grass hai, milega. Wherever it will hungry, it can get what? Its food like a grass. So it will grow, it will dwell. Kahan par? Jahan par grasses maximum milenge. अगर बात करते हैं लिजर्ड्स की, लिजर्ड आपको कहाँ दिखाई देगा? जहाँ पर इंसेक्ट है. वाई? बिकॉज इंसेक्ट्स आर फूड ऑफ व्हाट? द लिजर्ड. फ्रॉग ऑल्सो ईट व्हाट? द इंसेक्ट, राइट. स्नेक ईट व्हाट? द फ्रॉग एंड माइस. तो ऑब्वियसली जहाँ कहीं माइस है, फ्रॉग है, वहाँ पर क्या है? स्नेक्स मिलना बहुत कॉमन चीज़ है. वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? द फूड. एंड ऑब्वियसली इन सर्च ऑफ फूड सिंपली दे आर मूविंग हियर एंड देयर. लॉयन ईट डियर. एज आई टोल्ड ना, आई थिंक प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था हमने कि टाइगर है, लॉयन है, दीज आर इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ओके, सॉरी कार्निवरस प्लांट. सो जहाँ कहीं समझो बाई चांस जैसे डियर है, शीप है, नीलगाय है, बिसन है, जहाँ कहीं मिलेंगे ऐसे फॉरेस्ट में आपको टाइगर मिलेंगे. ऐसा अगर हमने देखा कोई फॉरेस्ट है जहाँ पर क्या सिर्फ ग्रासेस ही प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट है, बट वॉट वहाँ पर क्या है? एक भी हर्बिवोरस एनिमल नहीं है. तो जहाँ हर्बिवोरस एनिमल नहीं है वहाँ पर टाइगर लॉयन सर्वाइव नहीं करेंगे, तो वहाँ पर वो रहेंगे भी नहीं और ग्रो भी नहीं होंगे. एंड गोट एंड शिप ईट व्हाट? ऑब्वियसली गोट एंड शिप हमको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर क्या है? लीव्स है या छोटे छोटे प्लांट्स है जो उनके लिए फूड का काम करते हैं. एंड वेरियस काइंड्स ऑफ व्हाट? द मेडिसिन प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, ओके. जैसे क्या है सिंपली? शतावरी है, तुलसी है, वसा का है, ओके. सो फ्रेंड्स, इन दिस लेसन और अप टू नाउ व्हाट वी सॉ व्हाट? दैट सिंपली इन नेचर, इन द एनवायरनमेंट, वी आर इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर, ओके. एनिमल्स आर डिपेंड ऑन व्हाट? द प्लांट्स. एंड प्लांट्स आर डिपेंड ऑन व्हाट? द एनिमल्स. और वी कैन से बोथ आर इंटर डिपेंड ऑन व्हाट? द ईच अदर, राइट. दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, राइट. और ऑब्वियसली वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं? जहाँ पर उनके सारे नीड फुलफिल होते हैं. जैसे उनके बेसिक नीड है कौन से? फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ओके. Wherever they can get all the things, they are growing, they are dwelling at particular place only, जहाँ पर उनके सारे needs होते हैं, okay? मतलब अगर हमने समझो animals से अगर काम लेना है तो what we have to take care of them is what? हम क्या करते हैं? उनका care लेते हैं. We are providing them water, we are giving them food. हम उनका सारा care करते हैं, okay? बदले में क्या? Simply they are useful to us. Similar for what? The plants also. If you are taking proper care of these plants, what happen? They will grow much more and they will try to fulfill our all needs. So what? Up to now we saw what? Interface of what? The plants and animal in between. Okay. Chalo. Up to now we will see. Remaining jo hai. Okay. We are going to see in what? The next chapter. Next part of this. The same lesson. Okay. Chalo. Thank you friends for now. Chalo. Okay sir.